बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच थेट जाऊयात लोकसभेमध्ये तिहेरी तलाक विरोधातील विधेयक मांडण्यात आलेलं आहे तिथे वादळी चर्चा सुरू आहे। अब ये पास करने के लिए एक घंटे का समय हम सदन का बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैं विशेष रूप से मीनाक्षी लेखी, सुष्मिता देव, स्मृति ईरानी, सुप्रिया सुले, इन सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत ही अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बहस को उच्च स्तर तक पहुँचाने में मदद की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबको सुन रहा था। सुदीप मुखोपाध्याय जी ने कहा इट इज अ सिन, आई एम ग्रेटफुल टू यू, और सॉरी बंदोपाध्याय स्टैंड करेंगे। आपने दिल की बात कही, अच्छा लगा। अच्छी बात क्या लगी, इस सदन में विरोध में किसी ने भी तीन तलाक का समर्थन नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे टीडीपी के मित्र ने बहुत बड़ी बात कही, अरविंद सावंत जी ने भी बहुत बड़ी बातें कही। तीन तलाक का समर्थन नहीं, लेकिन ये बिल क्यों, ये तर्क हमारी समझ में नहीं आता है। अगर तीन तलाक गलत है, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या यह संसद खामोश रहनी चाहिए? यह सवाल उठाना जरूरी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग से आऊंगा। अब एक बार ओवैसी साहब अभी बोल उठे सारे खवातीनों की तरफ से कि वो इस बिल का विरोध करती हैं, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी जनाब ओवैसी साहब, और ये लोग, ये सब लोग आपकी उदासी का सबब भी पूछेंगे। और ये रिपोर्ट एक आई है इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की, और ऐसी दर्जनों रिपोर्ट है जो इन खवातीनों के दर्द को बताती है उनके साथ क्या बदसलूकी हुई। एक बार उन बहनों की आंखों में भी देखते कि रोटी काली हुई तो तीन तलाक, वजन बढ़ गया तो तीन तलाक। एक वकील साहब ने अपनी बेगम साहब को इसलिए तीन तलाक दिया कि उसने कहा तुम वकालत करते हो तो मैं भी करना चाहती हूं, उन्होंने कहा तुम घर पे बैठो, विरोध किया तो तीन तलाक। एक साहब ने अमेरिका से भेज दिया तीन तलाक। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। पता नहीं उन्होंने आपको अधिकार दिया है कि नहीं दिया है, ये मुझे पता नहीं है। ये तो वो नंबर है जो हम ले पाए, बहुत सी चीजें अनरिपोर्टेड भी जाती हैं। अच्छा रंजन, बहुत सी चीजें अनरिपोर्टेड हैं। दूसरा सवाल किया गया कि इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री, मैं अध्यक्ष जी मैं मुद्दों पर एक एक करके जवाब दूंगा। यह बात कही गई कि इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दो, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। क्यों? तो बस एक ही कारण, इसको अपराध क्यों बनाया है? ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी में भेजने का मैं एक ही कारण समझ पाया कि सबों ने कहा उधर से इसे अपराध क्यों बनाया है। अध्यक्ष जी, आज मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। 12 साल की बेटियों या बहनों के खिलाफ जब बलात्कार होता है तो इसी सदन ने, माननीय गृह मंत्री बैठे हुए हैं, एक कानून लाया कि ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी, जिस सदन ने पास किया ना। उस समय सदन ने कभी कहा कि जो फांसी होगा उसका परिवार होगा तो उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि वो एक पाप हो रहा था, एक जघन्य अपराध हो रहा था, इसलिए किया गया। अब मैंने आपको शांति से सुना, अब आप भी सुनिए प्लीज। अध्यक्ष जी, ओनली मिनिस्टर स्टेटमेंट। अध्यक्ष जी, जब निर्भया कांड हुआ था उनकी सरकार थी, उस समय उनको लगा कि निर्भया कानून बहुत ही जघन्य है। एक बात आई, कमेटी बैठी, उसने कानून में बदलाव किया, इसी सदन ने पारित किया कि नहीं किया। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। इतने बड़े कानून बने हैं, जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आप देखिए, इसका सेक्शन 3 में है 5 साल की सजा, वहां पति भी जेल जाता है, वहां सास भी जाती है, कभी कभी ननद भी जाती है जब केस होता है। उस समय कभी पूछा जाता है कि ये क्यों किया जा रहा है, ये भी नॉन अवेलेबल है, कॉग्निजेबल है, और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हर पर लागू होता है, वो किसी जमात से अलग नहीं है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी। और एक बात अब और देखिए कि जो पेनाल जो इनकरेज करता है लेने के लिए, एक तो लेते हैं उनको 5 साल, जो इनकरेज करता है लेने के लिए उसमें भी सजा है कम से कम 6 महीने, वो भी है
कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। उस समय तो किसी ने आपत्ति नहीं किया, क्यों कर रहे हो? अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका सेक्शन 31 है। अगर आप वुमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो आपको 1 साल की सजा होगी और 20,000 रुपया का फाइन भी हो सकता है। वो भी ऑफेंस है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। तो उस समय तो किसी ने आपत्ति नहीं किया कि क्यों कर रहे हो 1 साल की सजा पे, 6 महीने की सजा पे। यह सवाल 3 तलाक के मामले में क्यों उठाया जा रहा है, यह है बड़े सवाल। इसीलिए हमने कहा पिछली बार, और मैं अभी आता हूं, एक बात मैं और बता दूं, इंडियन पेनल कोड में 304B डाउरी डेथ, हम लोगों ने इसको आज से 10 साल पहले इसी संसद में पारित किया। अगर 7 साल की शादी के अंतर्गत आपकी पत्नी ने सुसाइड किया या लगा कि उसके साथ अत्याचार किया गया था, तो आपको सजा हो सकती है कम से कम 7 साल की। यह भी नॉन अवेलेबल है, ये सदन ने पारित किया था। 498A, अगर हस्बैंड या हस्बैंड का कोई संबंधी वुमन को के साथ में अत्याचार करता है, क्रुएल्टी करता है, तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है, वो भी नॉन अवेलेबल है। तो इतने कानून बने, इस पर तो कभी आपत्ति नहीं उठाई गई। ये आपत्ति सिर्फ 3 तलाक पर ही क्यों उठाई जा रही है? और यही बात जो स्मृति जी ने उठाई थी और हमारे मुख्तार भाई ने कही थी, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है, वोट बैंक की, न्याय इंसाफ की बात नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बहुतों ने सवाल किया, हम पूरी प्रामाणिकता से हम कहना चाहते हैं, ये पूरा मसला न किसी कौम को टारगेट करने का नहीं है, ये पूरा मसला किसी संप्रदाय को वोट बैंक के लिए घेरने का नहीं है। वोट बैंक की बात आती है तो उसको हल्के से छुआ था मुख्तार भाई ने और स्मृति जी ने। याद करिए, शाहबानों के फैसले के बाद इसी हाउस में स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 सीट की मेजोरिटी थी, लोकप्रिय थे। यहां पर आज मैं उनका नाम लूंगा आपकी अनुमति लेकर, आरिफ मोहम्मद खान ने 1.5 दिन भाषण दिया था और उनके भाषण ने कहा था कि शाहबानों का फैसला सही है, हमें आज खातिरों के लिए उठने की जरूरत है। 1.5 दिन कांग्रेस पार्टी साथ थी और 1.5 दिन के बाद बदल गई। ये आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। और जो बार बार ये 1986 एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं समय लेकर के इसमें नहीं, ये है मुस्लिम डाइवोर्स के बाद, और डाइवोर्स में भी लिमिटेड लेवल का मेंटेनेंस है, इस कानून का प्रावधान है, और इसको एक बड़ी बात कही जा रही है। तो कृपया करके इतिहास में जाए तो उसके पूरे तेव्हा तिहेरी तलाक विरोधातलं विधेयक लोकसभेत सोमवारी मांडण्यात आलेलं होतं। आज दिवसभर त्याच्यावरती वादळी चर्चा झाली आणि त्यानंतर आता केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यावरती स्पष्टीकरण दिलंय, देत आहेत, आणि हे विधेयक आहे ते कुठल्याही जाती धर्माविरोधात नसल्याचा पुनरुच्चार ते पुन्हा एकदा करत आहेत। यानंतर वळूयात पुढच्या बातमीकडे। राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी गुड न्यूज आहे नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच, कारण 1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारनं घेतलेला आहे आणि त्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे। त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 5 ते 14 हजारांची घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे। इतकंच नाही तर 1 जानेवारी 2016 पासून, म्हणजे 3 वर्ष मागे, यापासूनच ही पगारवाढ लागू होणार आहे। यामुळे सरकारी तिजोरीवरती 16,000 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे। मात्र एवढी मोठी खुशखबर मिळून देखील राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर अडू नयेत। 5 दिवसांत आठवडा करण्याची मागणी राजपत्रित कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे आणि या मागणीसाठी 5 जानेवारीला सरकारी अधिकाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे। ते सामूहिक रजेवर जाणार आहेत, त्यामुळे सरकार काय भूमिका घेतं याकडे पाहावं लागणार आहे। 17 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि 7 लाखांपेक्षा जास्त पेन्शन धारकांना या 7व्या वेतन आयोगामुळे मोठा फायदा होणार आहे। तेव्हा 7व्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार आहे ते आपण जाणून घेऊयात। चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा पगार आहे मासिक पगार, तो 4 ते 5 हजारांनी वाढणार आहे। तर तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये 5 ते 8 हजारांची वाढ होणार आहे दर महिन्याला। द्वितीय आणि प्रथम श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 9 ते 14 हजारांची घसघशीत वाढ होणार आहे। आणि पगारवाढीचे टप्पे आहेत ते 10 वर्ष 20 वर्ष आणि 30 वर्ष हे ठेवण्यात आलेले आहेत वेतन श्रेणीचे। आता मुंबई पुणे नागपूरमध्ये घरभाडे भत्ता आहे तो 25% इतका ठेवण्यात आलाय, तर ठाणे नवी मुंबई नाशिकमध्ये घरभाडे भत्ता हा 20% ठेवण्यात आलाय।
आणि अन्य शहरांमध्ये हा घरभाडे भत्ता असणार आहे 15%. गेल्या 3 वर्षातील थकबाकी 5 समान हप्त्यांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केली जाणार आहे. आणि ही महत्वपूर्ण घोषणा केल्यानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काय माहिती दिली आहे ऐकूयात. अशा 20,50,000 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2019 पासून 1 जानेवारी 2016 पासूनचा फायदा देत लागू करण्याचा निर्णय केलेला आहे. 24,485 कोटीचा भार हा अंदाजे आपल्याला अपेक्षित आहे. दुसरीकडे राजपत्रित सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून या सगळ्या निर्णयावरती काय प्रतिक्रिया येते बघूयात. 5वा आयोग 6वा आयोग त्यामध्ये काही त्रुटी राहिलेल्या आहेत. म्हणजे वेतन श्रेण्या केंद्राप्रमाणे द्यायच्या आहेत, कोणाला त्या सुधारून मिळायच्या पाहिजे आहेत, जे अन्याय झालेत ते दूर व्हावेत या उद्देशाने आम्ही मुख्यमंत्र्यांना आवर्जून विनंती केली होती की मागच्या त्रुटी दूर करण्याचं सुद्धा काम बक्षी आयोगाकडे द्यावं. आणि आनंद वाटतो की त्यांनी ते दिलं, परंतु बक्षी कमिटीने त्या त्रुटीबद्दलचा त्यांचा जो अहवाल आहे तो अजून सादर नाही केलेला आहे. तो लांबू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आणि वित्तमंत्र्यांनी त्यांना स्पष्टपणे सांगावं की येत्या 8-10 दिवसांमध्ये त्रुटीबद्दलचा अहवालसुद्धा त्यांनी शासनाकडे दिला पाहिजे. आणि यानंतर ज्यांच्या घरात TV आहे त्या प्रत्येकासाठी अत्यंत महत्वाची बातमी. इथून पुढे 15 तासानंतर म्हणजे संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून ते रात्री 10 वाजेपर्यंत राज्यभरातले TV हे बंद राहणार आहेत, विदर्भ वगळता. ट्रायने जी नवीन नियमावली सादर केलेली आहे त्याविरोधात केबल चालकांनी हा केबल बंदचा निर्णय घेतलेला आहे, त्यामुळे विदर्भ वगळता आज संपूर्ण महाराष्ट्रात केबल सेवा बंद राहणार आहे. ट्रायच्या नव्या नियमावलीनुसार ग्राहकांना आता आपल्या आवडीच्या वाहिन्या निवडण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं. मात्र ग्राहकांकडून वाहिनीनुसार पैसे घेण्याच्या नव्या निर्णयाला केबल व्यावसायिकांनी कडाडून विरोध केलाय. 29 डिसेंबरपासून ट्रायची ही नवी नियमावली लागू होणार आहे. ट्रायच्या नव्या नियमावलीनुसार प्रसारण कंपन्यांना केबल ग्राहकांकडून महिन्याकाठी आलेल्या भाड्याच्या पोटी 80% रक्कम मिळणार असून उर्वरित 20% फक्त 10% रक्कम ही केबल व्यावसायिकांच्या हातात पडणार आहे. ग्राहकांचं नुकसान अजिबात होता कामा नये ही पहिली भूमिका स्वाभाविकपणे आमची आहे. नंबर 2, ह्याच्यामध्ये आम्ही 3 तासाचा संप करू 5 तासाचा संप करू असं केबलवाल्यांनी म्हणणं हे म्हणजे ज्या ग्राहकाकडनं पुढचे पैसे घेऊन ठेवलेले आहेत आणि मध्येच त्याला सर्व्हिस न देणं हे मुळामध्येच गुन्हा आहे. तुमचा केबल बंद जर झाला आणि त्याच्यापूर्वी तुम्ही त्याचे पूर्ण पैसे भरलेले होते असं जर असेल तर तुम्ही कंझ्युमर कोर्टामध्ये जावं, ट्रायकडे जावं आणि आपली दाद मागावी. पुढच्या बातमीकडे. आपल्या आक्रमकतेमुळे आणि सततच्या आंदोलनांमुळे सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडचं पाणी पळवणारे बच्चू कडू आहेत त्यांनी आज हुतुतू म्हणत कबड्डीचं मैदान गाजवलं. आज अमरावतीमध्ये कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं तेव्हा बच्चू कडू स्वतः मैदानात उतरले आणि हुतुतू म्हणत त्यांनी हा डाव साधून देखील नेला. त्यांची ही एंट्री आहे ती चांगलीच यशस्वी झाली, त्यामुळे बच्चू कडूंच्या कबड्डीची सध्या सगळीकडे चांगली चर्चा सुरू आहे.